हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी वीडियो के अंदर। तो आप थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि मैं इस वीडियो में आपको क्या बताने वाला हूँ। तो गाइज, मैं आपको एक से बढ़ के एक अट्रैक्टिव मनोज डे सर तरीके के थंबनेल बनाना इस वीडियो में सिखाऊंगा, जिससे आप अपनी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा रैंक करा सकते हैं। तो गाइज, मेरी वीडियो पर नए हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और छोटा भाई समझ के कोई गलती हो तो वो भी माफ़ कर देना। तो गाइज, बिना टाइम गवाए मैं वीडियो को स्टार्ट कर देता हूँ और सारी बातें मैं वीडियो के अंदर बताऊँगा। अगर आपको और भी जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई दूंगा। थैंक यू दोस्तों, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, मिलते हैं अपने फ़ोन की स्क्रीन पर। हेलो गाइस, तो हम आ गए हैं हमारी मोबाइल की स्क्रीन पर। तो सिंपली गाइस, आपको यहाँ पे दो एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, एक का नाम है पिक्सल लैब और एक इमेज सर्च। तो मैं इस वीडियो में आपको पिक्सल लैब के बारे में बताऊंगा पहले, फिर बीच में वीडियो में इमेज सर्च के बारे में भी बताऊंगा। तो गाइस, आपको सिंपली यहाँ पे एक से बढ़ के एक थंबनेल बनाने के लिए आपको पिक्सल लैब को ओपन कर लेना है। आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, आपके सामने कुछ टेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, कुछ ऐसे टेक्स्ट आएगा आपकी उसमें। तो गाइस, आपको उस टेक्स्ट को क्लिक करके और यहाँ पर जो ये डिलीट का ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक, डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक करके इसको डिलीट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको थंबनेल का साइज का वो लेना है। तो आपको यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करना है। थ्री डॉट पे आप जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। उसके बाद इमेज सर्च पे क्लिक कर देना है। आप जैसे इमेज साइज पे क्लिक करोगे, कस्टम पे क्लिक करके यहाँ पे ये यूट्यूब थंबनेल पे क्लिक कर देना है। यूट्यूब थंबनेल पे आप जैसे ही क्लिक करोगे आपके और ओके कर देना, तो ये साइज यहाँ पे यूट्यूब थंबनेल का साइज आ जाएगा। अब उसके बाद सिंपली गाइज, आपको यहाँ पे कलर लगाना है, जिससे आपको बैकग्राउंड, जो थंबनेल का बैकग्राउंड वो अट्रैक्टिव दिखे। तो उसके लिए दोस्तों आपको सिंपली यहाँ पे जो ये वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको ये वाला ये इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने कलर का ऑप्शन आ जाएगा। ये कलर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आप कलर के ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करोगे आपको यहाँ से कोई सा भी आपको जो अच्छा लगे वो वाला कलर लेना है। तो गाइज़, अभी हम आपको शुरू से बताते हैं, जो मैंने ये कलर बना रखे हुए, लेकिन मैं आपको शुरू से बताता हूँ। आप ये ऐसा एक कलर ले लें और इसको राइट कर दें। राइट करने के बाद आपको सिंपली गाइस एक बार और कलर पे जाना हो, और जो ये ग्रेडिएंट दिखा है इस पर हमने कलर को बनाना है, क्योंकि कलर के ऊपर हम एक ही कलर ले सकते हैं बैकग्राउंड में, इसलिए ग्रेडिएंट पे हमको क्लिक करना है। उसके बाद फिर प्लस पे आइकन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे हम कलर को बनाएंगे। अब आपको इस वाले एरो पे क्लिक करना है। तो ये यहाँ पे इस वाले एरो पे क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पे कलर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर कलर के ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करोगे फिर ये वाला थोड़ा सा इधर ले लेना है और ओके कर देना है। उसके बाद जो ये वाला एरो है, ये वाला, इस पर क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करने के बाद कलर पे क्लिक कर देना। उसके बाद थोड़ा सा इधर फिर ले लेना है फिर। तो गाइज, ये थोड़ा हमारा कलर कम डार्क है, तो इसको और डार्क करने के लिए हमको इधर लेना होगा और इसको इधर लेना होगा। तो गाइज, ये लगभग हमारा कलर बनके तैयार है, अब ओके कर देना है। तो गाइज, अभी आप सोच रहे होंगे ये तो एक ही कलर हुआ, तो गाइज अभी रुकिए। इसके बाद आपको राइट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ट्रांसपेरेंट का ऑप्शन दिखा रहा था, उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ट्रांसपेरेंट पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस आएगा ड्रॉ का। ड्रॉ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप ड्रॉ पे क्लिक करोगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको एक वाइट कलर चूज़ कर लेना है। मैंने वाइट कलर चूज़ कर लिया। उसके बाद आपको जो ये वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये वाला, इस पर क्लिक करना है, इसको ऑन कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कट लगाना है। जैसे मैं लगा के बता देता हूँ, ये ऐसा एक आपको कट लगेगा। ये आप अपने हिसाब से कोई सा भी एक कट लगा सकते हैं ये, और इसको यहाँ से राइट कर देना है, ये ऐसा कुट। पर मैंने पहले से एक लगा रखा हुआ है और इसको आपको यहाँ से सेव कर लेना है। आप अपने हिसाब से थोड़ा अट्रैक्टिव लगा सकते हैं यहाँ से इसको ऐसे करके, और कस्टम पे क्लिक करके अल्ट्रा में इसको यूँ सेव कर लेना है। सेव करने के बाद तो दोस्तों हमने उस एडवर्टाइज को स्किप कर दिया। उसके बाद आपको सिंपली थोड़ा सा बैक आना है, यहाँ पे इस एरो के निशान से बैक आना है। सिंपली आपको फिर बैक आ जाना, और आपने वो वहाँ से अल्ट्रा में से सेव कर लिया। उसके बाद गाइस, आपको क्या करना है, जो आपने अभी सेव किया था यहाँ पे जो प्लस का आइकन दिखा रखा है, आपको जो प्लस के आइकन पे क्लिक करना है। जैसे आप प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे यहाँ, तो फ्रॉम टू गैलरी, यहाँ पे फ्रॉम टू गैलरी पे क्लिक करना है। फ्रॉम टू गैलरी पे जैसे ही क्लिक करोगे
आपने जो इमेज काटी थी, जो मेरे इसमें फ्रंट पे दिखाई रखी, वो आप जो आप अपने हिसाब से काट लेना। पर मैंने यहाँ पे ये वाली काट रखी, पहले से काट के रखी हुई है, तो मैं इसको लगाऊंगा। इसको क्लिक किया, फिर राइट कर लूँगा, फिर इसको थोड़ा सा बड़ा कर लूँगा गाइस, इसको बड़ा कर लूँगा और यहाँ पर इसको एड कर दूँगा, तो ये यहाँ पे थोड़ा शानदार दिख रहा है। इसको और अच्छे से अट्रैक्टिव करने के लिए गाइस, मैं थोड़ा इसको इधर करूँगा, सॉरी गाइस, इसको इधर करूँगा। और उसके बाद आपको यहाँ पे जो स्ट्रोक का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस स्ट्रोक पे क्लिक कर देना और इस पे क्लिक कर देना है। इस क्लिक करने के बाद थोड़ा सा ब्लैक ये ले लेना और राइट कर देना। थोड़ा सा और अट्रैक्टिव दिखाने के लिए गाइस, शेडो पे क्लिक करना है। ये शेडो पे क्लिक किया और ये गाइस, ये यहाँ पे थोड़ा सा इसको ले लेना है, ये थोड़ा अट्रैक्टिव दिख रहा है। और गाइस थोड़ा सा और इसको अट्रैक्टिव दिखाने के लिए ये गाइस थोड़ा और अट्रैक्टिव दिख रहा है। तो गाइस हमने ये ले लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ से मैं जैसे यूट्यूब थंबनेल का लोगो बना रहा हूँ, तो मेरे को फिर से यहाँ पे आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। मेरे को फिर से यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना पड़ेगा, प्लस पे क्लिक करूँगा, फिर फ्रॉम टू गैलरी पे जाऊँगा, फिर यहाँ पे मेरे को थंबनेल जैसा बनाना है वो ऐसे थंबनेल बनाने के लिए फिर एक थंबनेल पे क्लिक करूँगा और फिर इसको ऐसे लूँगा और इसको छोटा कर लूँगा और गाइस यहाँ पे इसको ऐसे लगा दूँगा। यहाँ पे ऐसे कुछ जगह रखना है मेरे को यूट्यूब लगा, फिर फ्रॉम टू गैलरी पे जाऊँगा, फिर इस पर क्लिक करूँगा और गाइस ये मैंने इससे पहले बनाया था ये वाला थंबनेल। तो गाइस एक ये भी मैं इसमें लगा देता हूँ, आपको थंबनेल बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। मैं इस तरीके से बताऊँगा आपको, स्टार्टिंग से बताऊँगा। आपको कोई दिक्कत आए तो आप वीडियो बता सकते हैं, वीडियो में मैं फिर से आपके लिए दूसरी वीडियो बना के लाऊँगा। तो गाइस ये देख सकते हैं ऐसा कुछ थंबनेल हमारे सामने इंटरफेस है। तो गाइस ये मैं इसको ऐसे कर देता हूँ जिससे कि ये और अट्रैक्टिव दिखे। उसके बाद गाइस आपको और अच्छे इमेज लगाने के लिए और अच्छा इफ़ेक्ट डालने के लिए आपको सिंपली जो ये वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको ये वाला इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे क्लिक करोगे, फिर आपके सामने इस पर क्लिक करने के बाद, सॉरी गाइस एक मिनट, इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो दोस्तों फिर आपको इस पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक जैसे ही आप करोगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। फिर आपको जो ये वाला ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको इसको सेट करना है। इसको सेट करने के लिए थोड़ा ऐसा करना, फिर ऐसे करना पड़ेगा, फिर हम इसको थोड़ा ऐसे लगा सकते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, फिर थोड़ा सा ऐसे इसको ऐसे लगा सकते हैं। उसके बाद सिंपली गाइस आपको यहाँ पे इसको राइट कर देना है, लेकिन आपको और भी थोड़ा अलग चाहिए तो आप यहाँ पे एरो पे क्लिक करके आप कोई सा भी ले सकते हैं, उसके बाद आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो मैं सिंपली मेरे को वही चाहिए, तो मैं इसको कैंसिल करके और यहाँ पर राइट क्लिक कर देता हूँ। तो गाइस ये थोड़ा सा बाहर की तरफ निकल रहा है, तो गाइस यहाँ पे हमको जो ये वाला एरो दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे और इसको जो ये वाला है यहाँ से इसको पकड़ना है, इस पर हाथ धरना है और इसको नीचे खिसकाते लाना है, इसके आपको लास्ट में ला कर छोड़ देना है। तो जैसे आप इसको लास्ट में जा कर छोड़ोगे ये अंदर हो गया। तो गाइस इसको थोड़ा सा इसको साइड में करेंगे और इसको थोड़ा सा तिरछा करेंगे। तो गाइस इसको सीधा तिरछा करने के लिए हमको थोड़ा सा ऐसा पकड़ना पड़ेगा। तो गाइस इसको ऐसे और सिंपली गाइस इसको थोड़ा सा ऐसे करेंगे और इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेंगे। तो गाइस ये थोड़ा दिखने में अट्रैक्टिव दिखेगा। तो हमने गाइस इसको थोड़ा सा ज़्यादा तिरछा हो गया, इसको थोड़ा सा ऐसे ले लेते हैं गाइस, तो ये दिखने में थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगेगा। उसके बाद गाइस इसको फिर से इसकी जगह पर यहाँ पर सेट कर देते हैं। तो गाइस ये यहाँ पर हमने इसको सेट कर दिया। अब सिंपली गाइस हम इसको इधर कर देते हैं और इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं। उसके बाद आपको सिंपली गाइस क्या करना है, उसके बाद ये जो यहाँ पे खाली जगह दिखाई दे रही है यहाँ पे हमको यूट्यूब का लोगो लगाना है। यूट्यूब का लोगो लगाने के लिए बिल्कुल एकदम सही से यूट्यूब का लोगो लाने के लिए आपको सिंपली पूरा बैक जाना पड़ेगा। हमको ये जो अब सेकंड वाली ऐप है उसको ओपन करना पड़ेगा। वो उस वाली ऐप को ये ऐप दिखाई दे रही है आपको, ये वाली वो ऐप है इमेज सर्च, जो आपको प्ले स्टोर से उपलब्ध हो जाएगी। तो हम इसको क्लिक करते हैं और आप इस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे मैंने पहले से यूट्यूब
YouTube लिख रखा है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। आप भी ऐसे ही YouTube थंबनेल YouTube लिख के सर्च कर सकते हो, तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। और गाइज आपको जैसे कि कोई भी डाउनलोड करनी है तो आप इस पर क्लिक करना। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया और ये आपको यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइज़ मैंने पहले से डाउनलोड कर रखे हैं, तो मैं जाके फिर से गैलरी में ले लेता हूँ। तो गाइज़ फिर से हम हमारे यहाँ पे आ गए, तो जो मैंने पहले से ले रखा है तो उसके लिए फिर से आपको यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करना पड़ेगा। फिर आपको फ्रॉम टू गैलरी पे क्लिक करना पड़ेगा। आप फ्रॉम टू गैलरी पे क्लिक करने के बाद जो मैंने पहले से डाउनलोड कर रखी थी उसको मेरे को लाना है, तो वो मेरे फ़ोटोज़ में होंगी। फ़ोटोज़ में यहाँ पे मैं फ़ोटोज़ पे क्लिक करूँगा। जैसे मैं फ़ोटोज़ में जाऊँगा तो यहाँ पे ऑल पे क्लिक करूँगा। उसके बाद गाइस यहाँ पे लास्ट में मेरे को ये यूट्यूब की इसको मैंने ले लिया और यहाँ पे राइट कर दूँगा। गाइस सिंपली फिर इसको आपको छोटा कर लेना है, थोड़ा और छोटा कर लेना है। गाइस छोटा करने के बाद आपको यहाँ पे इसको फिट बिठा देना है। जैसे ही आप इसको लगा दोगे गाइस ये थोड़ा सा अलग सा दिखेगा, तो इसको इसके बैकग्राउंड में मैच करने के लिए गाइस सिंपली आपको यहाँ पे जो ये शेडो का ऑप्शन स्ट्रोक का ऑप्शन दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करना है। शेडो पे नहीं करना है, आपको इधर जो ये स्ट्रोक का ऑप्शन दिखा रहा है स्ट्रोक पे क्लिक कर देना और इसका कलर को रेड चूज़ कर लेना है। यहाँ से हमने रेड चूज़ करके और यहाँ पर ये थोड़ा सा इसको आगे कर दिया इसको, और तो गाइज ये थोड़ा अट्रैक्टिव दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे ये इनर शेडो पे क्लिक करना है, उसके बाद ये वाला, फिर इसको यहाँ पे हमको रेड कलर ले लेना है। गाइज यहाँ पे हमने रेड ले लिया, फिर थोड़ा सा इसको ऐसे करना है और इसको ऐसे कर देना है। तो गाइज ये थोड़ा यहाँ पे ऐसा दिखेगा अट्रैक्टिव, फिर इसको राइट कर देना। उसके बाद यो गाइज यहाँ से आपको एक बार और जाना है फ्रॉम टू गैलरी पे, प्लस पे करना फ्रॉम टू गैलरी। उसके बाद एक बार और आपको वही इमेज ले लेनी है गाइस, फिर से थोड़ा अट्रैक्टिव दिखाने के लिए। तो गाइस हम फिर से ऑल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम फिर से वो उस यूट्यूब की पिक को यहाँ पे ले लेते हैं और फिर इसको राइट करके फिर थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। फिर छोटा करने के बाद इसको थोड़ा सा यहाँ पे ऐड कर देते हैं और फिर आपको शेडो पे क्लिक करना और ये लगा देना है और थोड़ा सा रेड पे क्लिक करने के बाद फिर सिंपली उसमें था ऐसा ही करने के बाद ऐसा कर देना और राइट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद अब आती है लिखने की बारी, तो गाइस हम लिखेंगे अब यहाँ से। फिर से आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा प्लस के आइकन पे। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ये आएगा, फिर आपको टेक्स्ट पे क्लिक कर देना और टेक्स्ट को यहाँ पे ले आना है। तो गाइस अब हम लिखेंगे तो टेक्स्ट पे क्लिक करके फिर इस पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे लिखना है मोबाइल से थंबनेल कैसे बनाएं। तो हम यहाँ पे गाइस हमारे उसमें हिंदी कीबोर्ड नहीं है, तो हम माइक से बोल के लिखेंगे ये वाला, तो मोबाइल से। तो गाइस ये मोबाइल से लिखा गया है, पहले इसका कलर चेंज कर लेते हैं। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फिर हमारा यहाँ पे करने के बाद ये जो कलर का ऑप्शन है इस पे कलर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमको यहाँ पे कलर से पे क्लिक करना है। उसके बाद हम यहाँ पे कलर वाइट, अभी तो वाइट ही रखेंगे, वाइट कलर रखेंगे। तो सिंपली गाइस अभी तो वाइट ही कलर है जो कि वाइट में हमको दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम जो बैकग्राउंड कलर है उसको चूज़ करेंगे। यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे, ग्रीन टेप पे क्लिक करने के लिए फिर हमको यहाँ पे इधर जो हमारा कलर है बैकग्राउंड कलर, जैसे सॉरी गाइस ये तो हमारा बैकग्राउंड कलर हो गया, आज जो हमारा बैकग्राउंड कलर है ऐसे ही हमको कलर उसमें लाना है। तो गाइस उसके लिए हमको सिंपली यहाँ पे कलर पे क्लिक करना और राइट कर देना है, और उसके बाद हमको जो यहाँ पे ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है जो आपके सामने गाइस ये ए वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है ए वाला, इस पर क्लिक कर देना है। ए वाले पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये कलर का ऑप्शन आ जाएगा। कलर का ऑप्शन जैसे ही आप आएगा आप ग्रेंट पे ले आ जाना और जो आपका बैकग्राउंड साइज़ है उससे थोड़ा सा हटके जैसे कि ये वाला हम इस पर ले लेते हैं। उसके बाद हम इसको राइट कर देते हैं। उसके बाद गाइस पहले हम इसको थोड़ा सा तिरछा कर लेते हैं और उसके बाद गाइस हम साइज को बड़ा कर लेते हैं। साइज पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और साइज पे क्लिक करने के बाद गाइस इसको थोड़ा सा ऐसे बढ़ा सकते हैं, इसको बढ़ाने के लिए। उसके बाद गाइस थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं हम इसको, तो गाइस हमने इसको थोड़ा सा छोटा कर लिया है
छोटा करने के बाद गाइज आपको सिंपली कुछ राइट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको फ़ॉन्ट सही करना है इसका। तो फ़ॉन्ट सही करने के लिए गाइज आपको सिंपली ये थोड़ा सा साइड आ जाना और फ़ॉन्ट के साइड में जो ये वाला ऑप्शन है, ये वाला बी स्टाइल पे क्लिक कर देना और यहाँ पे फिर यहाँ पे इसको ऐसे कर देना और गाइज फिर आपको राइट पर क्लिक कर देना है राइट पर। और इसको और अट्रैक्टिव दिखाने के लिए गाइज जो यहाँ पर स्ट्रोक दिखाई दे रही, स्ट्रोक पर क्लिक कर देना और गाइज ऐसे आपको ऐसे करके कुछ छोड़ देना है गाइस। तो ये थोड़ा हमारा थंबनेल थोड़ा शानदार दिख रहा है मोबाइल से। अब गाइस हमको लिखना है थंबनेल कैसे बनाएं। तो अब हमको यहाँ पे फिर टेक्स्ट प्लस पे क्लिक करना है, फ्रॉम टू, सॉरी गाइस फ्रॉम टू गैलरी हो गया है। प्लस पे क्लिक करने के बाद टेक्स्ट पे क्लिक किया और जो टेक्स्ट वाला ऑप्शन है इसको फिर यहाँ पे ला देना और फिर प्लस पे मार्कर पे क्लिक करके फिर इस पे क्लिक करके फिर यहाँ पे निकलना है थंबनेल। मोबाइल से तो लिख दिया गाइस हमने, फिर लिखना है थंबनेल। तो गाइस हम माइक से बोल देते हैं थंबनेल। तो गाइस ये यहाँ पे थंबनेल कुछ ऐसा है। तो गाइस हमने ये थंबनेल लिख दिया, उसके बाद ओके कर देना है और फिर यहाँ पे इसको इसका कलर चेंज करने के लिए ए पे क्लिक करना है, उसके बाद कलर पे क्लिक करना है, उसके बाद हमको इसका कलर ले लेना है गाइस कुछ ऐसा ही कलर हमको इसका भी ले लेना है, इसका भी कलर कुछ ऐसा ही ले लेना है। जैसे कि हम इसका कलर ले लेते हैं रेड, तो गाइस हमने इसका रेड ले लिया और फिर इसको थोड़ा सा तिरछा करने के बाद गाइस इसको भी यहाँ पे साइज पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा बड़ा कर देंगे और फिर इसको बड़ा करने के बाद यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे। एडजस्ट करने के बाद राइट पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद इसकी भी जो यहाँ पे स्ट्रोक दिखाई दे रही है स्ट्रोक पे क्लिक करने के बाद और फिर शेडो पे क्लिक स्ट्रोक पे क्लिक कर देंगे तो ये अपने आप थोड़ा सा न्यू लुक में आ जाएगा। उसके बाद शेडो पे क्लिक करने के बाद इसको शेडो पे कर देना है। उसके बाद गाइस ये हमारा थोड़ा अट्रैक्टिव दिख रहा है। इसको और अट्रैक्टिव करने के लिए गाइस अब हमको और नीचे और लिखना पड़ेगा मोबाइल से थंबनेल कैसे बनाएं। तो कैसे बनाएं, तो फिर हमको पेंसिल के आइकन पे क्लिक करना है और जैसे आइकन पे क्लिक करेंगे उसके बाद सॉरी गाइस प्लस पे क्लिक करना है। प्लस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ड्रॉ पे क्लिक करना है। प्लस पे क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे राइट पे क्लिक कर देना है और उसके बाद जो ड्रॉ प्लस है उसके बाद टेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, वो टेक्स्ट यहाँ पे ला देना है। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे पेंसिल के आइकन पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ से लिखेंगे मोबाइल से थंबनेल कैसे बनाएं। तो कैसे बनाएं पे हम क्लिक कर दिया गाइस और फिर उसको ओके कर देना। ओ गाइस थोड़ा ज़्यादा लिखा गया उसमें, तो गाइस इसको थोड़ा सा हटा देते हैं हम। ये कैसे बनाएं, तो कैसे बनाएं को ओके कर देना है और उसके बाद थोड़ा सा इसको भी तिरछा कर देना है और गाइस फिर यहाँ पे साइज पे इसको बड़ा कर देना है थोड़ा ऐसे। गाइस थोड़ा सा ज़्यादा तिरछा हो गया, इसको ऐसे कर देना। कैसे बनाएं, तो गाइस सिंपली आपको समझ में आ गया, राइट कर देना है और इसको हम वाइट ही रहने देंगे और इसको शेडो बनाने के लिए हम स्ट्रोक पे क्लिक करेंगे और स्ट्रोक पे क्लिक करने के बाद फिर शेडो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर गाइस हमको थोड़ा सा इनर शेडो पे क्लिक करेंगे। इनर शेडो पे गाइस अच्छा नहीं लग रहा है इनर शेडो। इसके बाद थोड़ा सा इसको ऐसे थोड़ा सा और तिरछा रख देंगे गाइस, थोड़ा अट्रैक्टिव दिखेगा। तो गाइस आपको समझ में आ गया होगा थंबनेल कैसे बनाएं। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो गाइस हम दोबारा से वीडियो बना सकते हैं, अगर आप बोलोगे तो वीडियो और अच्छे से समझा सकते हैं आपको। तो गाइस ये थोड़ा सा तिरछा, ज़्यादा तिरछा हो गया, तो गाइस आप देख सकते हैं थोड़ा सा इसको ऐसे। तो गाइस ये हमारा थंबनेल बन के रेडी हो गया। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ छोटा भाई समझ के माफ़ कर देना, गलती हो गई हो तो। और गाइस सॉरी, हमारा एक काम बाकी रह गया यहाँ पे हमारी इमेज लगाने के लिए। गाइस आपको फिर से प्लस के आइकन पे क्लिक करना है। प्लस के आइकन पे जैसे क्लिक करोगे फ्रॉम टू गैलरी पे क्लिक करना है और गाइस हमको यहाँ पे कोई सी भी जो आपको अच्छी इमेज लगे वो वाली इमेज यहाँ पे सिलेक्ट कर देना गाइस। तो जैसे कि मैं ये वाली इमेज ले लेता हूँ और यहाँ पे इसको कर देता हूँ और फिर इसको थोड़ा सा बड़ा करने के बाद गाइस इसको ऐसे ऐसे लगा देता हूँ,
ऐसे ऐसे लगा गाइस। उसके बाद आपको सिंपली इसको बैकग्राउंड में मिलाने के लिए यहाँ पे इस पर क्लिक करना है, और जो आपको ये शेडो का स्ट्रोक का देख रहा है स्ट्रोक पे क्लिक कर देना है, और गाइस जो बैकग्राउंड कलर है उसको ले लेना है थोड़ा उससे हटके, नहीं तो गाइस उससे हटके ले लेना है आपको। कलर पर क्लिक करना है और कलर, सॉरी गाइस ये कलर दूसरा हो गया। उसके बाद आपको पहले यहाँ पर इसको ऑन कर देना है। तो गाइज़ हमको थोड़ा कलर कौन सा ले लेना है गाइज, हम गाइज ये वाला कलर ले लेते हैं और इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ये वाला, तो गाइज़ थोड़ा अच्छा लग रहा है। उसके बाद आप हम इनर शेडो पे क्लिक कर देते हैं ये गाइज, उसके बाद हम थोड़ा अट्रैक्टिव दिख रहे हैं इसमें। तो गाइज़ ये हमारा थंबनेल बनके तैयार हो गया है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, धन्यवाद। उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सॉरी दोस्तों, इसमें एक चीज़ और रह गई है जो यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ से इसको सेव कर सकते हैं, वो भी अल्ट्रा में। तो ये गाइज़ हमारी वीडियो बनके तैयार है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना छोटा भाई समझ के, भाई पहली बार वीडियो बना रहा हूँ इसलिए ऐसी बनी है। तो गाइज़ हमारी वीडियो बनके तैयार है, ये ऐड आ गया, इसको ऐड को मत देखना। मिलते हैं नेक्स्ट।